ज्योमेट्री के कुछ पोर्शन को पढ़ेंगे। कुछ पोर्शन का मतलब क्या है, ज्योमेट्री से कुछ चीजें महत्वपूर्ण है। ज्योमेट्री से क्या क्या चीजें महत्वपूर्ण है, जैसे सबसे ज्यादा पूछा जाता है कि आकृति क्या है, त्रिमियामी थ्रीमियामी जिसे हम कहते हैं 2D और 3D, रेखा क्या है, रेखाखंड किसे कहते हैं, किरण किसे कहते हैं, बिंदु किसे कहते हैं, संरेख बिंदु असंरेख बिंदु, समानांतर रेखा किसे कहते हैं, और कोण किसे कहते हैं, कोण के प्रकार, कोण निकाला कैसे जाता है, इन सभी के साथ साथ फिर उसके बाद इसी के आधार पर हम इनसे जुड़े प्रश्नों को सॉल्व करते हैं। तो हम जो आज क्लास पढ़ेंगे वो पूरी तरह से मैराथन क्लास होगी, क्योंकि मुझे एक दिन में एक वीडियो लेक्चर में पूरा ज्योमेट्री आपकी खत्म करनी है। इसलिए आप सब प्रयास करिएगा, किसी को ध्यान से सुनिएगा, और उसके बाद मैं पूरा आपको ये गारंटी देता हूँ कि ज्योमेट्री का प्रश्न चाहे जैसा भी आएगा, आप अपने परीक्षा के दृष्टिकोण से एक भी प्रश्न आपका छूटेगा नहीं, आप सभी सही करके आएंगे। पहली प्राथमिकता। दूसरी प्राथमिकता, आप क्लास को ध्यान से सुनिएगा, जो चीजें महत्वपूर्ण लगे उसे नोट करते जाइएगा, उसके बाद ये वीडियो अपलोड हो जाएगी यूट्यूब पे, आप सभी लोग उसे एक से दो बार देख लीजिएगा, बस कंप्लीट हो जाएगी। यही ज्योमेट्री पढ़ाने के लिए महीनों क्लास चलती है, तब भी ज्योमेट्री समझ में नहीं आती, लेकिन अगर आज आप थोड़ा सा ध्यान हमारे पास अपने पास रख लेंगे तो एक दिन में पूरी ज्योमेट्री समझ में आ जाएगी आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से। ठीक, चलिए अब आते हैं, जब ज्योमेट्री की बात करते हैं सबसे पहला प्रश्न उठता है कि द फादर ऑफ द ज्योमेट्री, हु फादर ऑफ ज्योमेट्री, माने रेखा गणित का पिता किसे कहते हैं। तो रेखा गणित का पिता किसे कहते हैं, पहला प्रश्न कोई बताएगा कि रेखा गणित के पिता किसे कहते हैं, ज्योमेट्री के पिता किसे कहते हैं। जैसे होता है ना कि भूगोल जनक कौन है, इतिहास जनक कौन, उस तरह रेखा गणित के जनक कौन है। स्टाफ ने क्वेश्चन मांग रखी, कल बताइएगा आप लोग। आगे पढ़ते हैं, उसके बाद आता है बिंदु किसे कहते हैं। फिर प्रश्न उठता है बिंदु किसे कहते हैं, बिंदु किसे कहते हैं, बिंदु भी आपकी परीक्षा में नहीं पूछेगा। आते हैं अब रेखा किसे कहते हैं, रेखा को अंग्रेजी में लाइन कहते हैं। रेखा वास्तव में जो रेखा की परिभाषा होती है उसका हम लोग यूज नहीं करते हैं। रेखा किसे कहते हैं पहले सुन लीजिएगा, रेखा बिंदुओं का, रेखा क्या, बिंदुओं का सागर या समुच्चय होता है। रेखा क्या, जिसे पहले कुछ चीजें मैं आपको कॉन्सेप्ट क्लियर कर दे रहा हूं, जो रेखा जुड़े प्रश्न पूछते हैं, परिभाषा नहीं पूछेगा प्रश्न पूछेगा। वास्तव में जैसे रेखा की जो होती है लंबाई, रेखा वह ज्यामितीय आकृति होती है जिसमें लंबाई तो होती है किंतु चौड़ाई अथवा मोटाई नहीं होती। क्या होता है, रेखा वह ज्यामितीय आकृति होती है जिसमें लंबाई तो होती है किंतु चौड़ाई अथवा मोटाई नहीं होती। इसे दोनों तरफ अनंत तक बढ़ाया जा सकता है, इसे किसी भी कॉपी, जमीन, व्हाइट बोर्ड, ब्लैक बोर्ड आदि पर निरूपित नहीं किया जा सकता, बल्कि बस इसकी कल्पना की जा सकती है। अर्थात अब पूछा जाए कि किसी भी रेखा की लंबाई कितनी होगी, तो रेखा की लंबाई जो होती है अनंत होती है। क्या होती है, अनंत होती है। इसे दोनों तरफ अनंत तक बढ़ाया जा सकता है, इसलिए इसके दोनों तरफ मुंह खुला होता है। और इसे कैसे प्रदर्शित करते हैं, ए बी, इसको पढ़ेंगे रेखा ए बी, इसे क्या पढ़ेंगे, जैसे यह है इसको पढ़ेंगे रेखा ए बी। इसके दोनों तरफ तीर खुलने का मतलब है ये बता रहा है, ये प्रदर्शित कर रहा है, इसे दोनों तरफ अनंत तक बढ़ाया जा सकता है, दोनों तरफ अनंत तक बढ़ाया जा सकता है। ठीक, अब सोच लीजिए, यहां से जितनी भी लंबी सोच सकते हैं आप, दिमाग जितना ज्यादा दिमाग ले सकते हैं उतनी लंबी रेखा की लंबाई हो सकती है, उससे भी ज्यादा। यहां से कहां तक, बंबई तक, सूर्य तक, चंद्रमा तक, ब्रह्मांड तक, जितना सोच सकते हैं, जितने भी सोच जा सकती है उससे भी लंबी क्या होती है, इस रेखा की लंबाई। इसलिए इसकी लंबाई अनंत होती है। क्या होती है, अनंत होती है। अगला पॉइंट, एक बिंदु से होकर अनंत रेखाएं गुजरती है। प्रश्न पूछता है डायरेक्ट एक से, एक बिंदु से होकर अनंत रेखाएं गुजरती है, देख रहे हैं आप लोग, अनंत रेखाएं गुजरती है, जबकि एक ही तल में स्थित दो या दो से अधिक बिंदुओं से केवल एक रेखा ही गुजर सकती है। जैसे चाहे जितनी बिंदु हो, अगर एक ही तल में स्थित है उसे कितनी रेखा गुजरेगी, केवल एक, लेकिन एक बिंदु से अनंत रेखाएं गुजर सकती है। समझ में आया कॉन्सेप्ट, एक बिंदु से अनंत रेखाएं गुजर सकती है, जबकि दो या दो से अधिक बिंदुओं से कितनी रेखाएं, एक ही, लेकिन उसके लिए क्या है, एक ही तल में स्थित हो। समझ में आ रहा आप लोग को। चलिए और आगे बढ़ते हैं रेखा के बारे में। रेखा के साथ साथ एक बिंदु होता है, बिंदु के बारे में जान लीजिएगा। बिंदु को सदैव अंग्रेजी के बड़े अल्फाबेट से निरूपित करते हैं, याद रखिएगा एक पॉइंट। बिंदु क्या होता है, सदैव अंग्रेजी के बड़े अल्फाबेट, अंग्रेजी वर्णमाला के बड़े अक्षर का प्रयोग करते हैं। कभी आपने ये नहीं देखा होगा बिंदु ए, सदैव बिंदु ए पढ़ा होगा आपने। चलिए अब ज्यामितीय दृष्टिकोण से, अब ये हो गया, इसको क्या पढ़ेंगे, रेखा क ख,
इसको क्या पढ़ेंगे, रेखा क ख। जैसे रेखा क ख कहेंगे तो रेखा की जितनी परिभाषा होती है इसके अंदर क्या हो जाएंगी, अपने आप समाहित हो जाएंगी। अगला आता है किरण। क्या आता है? किरण। किरण किसे कहते हैं? किरण वह ज्यामितीय आकृति होती है जिसमें लंबाई तो होती है किंतु चौड़ाई और मोटाई नहीं होती, लेकिन यह रेखा की भांति होती है, यह रेखा की भांति होती है, किंतु किरण का एक बिंदु निश्चित होता है, दूसरा बिंदु अनिश्चित होता है। जैसे ये साइलेंट मोबाइल बंद कर लीजिए, जैसे यहां से हमने टार जला दिया तो एक बिंदु जहां टार जला उसका बिंदु ए निश्चित हो गया, इसका प्रकाश कितनी दूर तक जाएगा यह बिंदु निश्चित नहीं है। तो जैसे यहां पर हमने बना दिया ए बी, इसे पढ़ेंगे किरण ए बी, क्या पढ़ेंगे किरण ए बी, इसे शॉर्ट में लिखा जाता है इस तरह से, इसका क्या पढ़ेंगे किरण, इसका मतलब क्या, ए इसका बिंदु निश्चित है और बी बिंदु निश्चित नहीं। सूर्य चमक रहा है जहां से, वह बिंदु निश्चित है, वो हो गया ए, उसकी किरण कहां तक जाएगी ये निश्चित नहीं है, वो बिंदु हो गया बी। इसका मतलब क्या है, किरण वह ज्यामितीय आकृति होती है जिसमें लंबाई तो होती है किंतु चौड़ाई और मोटाई नहीं होती, उसका एक बिंदु निश्चित होता किंतु अगला बिंदु निश्चित नहीं होता। फिर वही कारण, एक बिंदु से एक या दो से, मतलब एक बिंदु से अनंत किरण खींचे जा सकते हैं, जबकि दो या दो से अधिक बिंदु से यदि एक ही तल में स्थित है केवल एक ही किरण गुजरती है या एक ही किरण खींची जा सकती है। ठीक, अब जिससे पूछेंगे वही बताएगा। इसका मतलब आप बताएं, किरण क ख, लेकिन इसमें एक समझने वाली बात है कि क अनंत है और ख निश्चित बिंदु है, जब पहुंच है इसका मतलब ये बिंदु निश्चित है, जिस पे तीर का निशान लगा हुआ बिंदु निश्चित, उसे अनंत तक बढ़ाया जा सकता, कितना बढ़ाया जा सकता है ये कोई लिमिटेशन नहीं। समझ में आ गया? अब आगे पढ़ते हैं रेखाखंड। ये रेखाखंड क्या होता है? रेखाखंड वह ज्यामितीय आकृति होती है जिसमें लंबाई तो होती है किंतु चौड़ाई और मोटाई नहीं होती, किंतु उसकी जो लंबाई होती है वह निश्चित होती है। कहा जाता है कि एक 5 सेंटीमीटर लंबी रेखा खंड खींचिए, लेकिन हम लोग बोलचाल की भाषा में क्या यूज करते हैं, रेखा यूज करते हैं। उसकी लंबाई क्या होती है? निश्चित होती है। 10 सेंटीमीटर लंबी रेखाखंड खींचिए, तो रेखाखंड को कॉपी पे, व्हाइट बोर्ड पे, ब्लैक बोर्ड पे, अन्य किसी जगह हम बना सकते हैं, दर्शा सकते हैं, जबकि रेखा किरण को नहीं, उसकी बस कल्पना कर सकते हैं, क्योंकि उसकी लंबाई अनंत होती है और रेखाखंड की लंबाई निश्चित होती है। कभी जब प्रश्न आते हैं हमारी परीक्षाओं में, वहां पे क्या ज्यादा प्रयोग होता है? रेखाखंड होता है। क्यों? रेखाखंड की लंबाई निश्चित होती है, रेखा की लंबाई निश्चित नहीं होती। ठीक, जैसे इसे खींचे ना 7 सेमी लंबी रेखा खींचिए, तो रेखा नहीं, रेखाखंड खींचिए। बाकी सभी परिभाषा किसकी जैसी है? रेखा जैसी। इसमें एक खासियत क्या है, इसके बिंदु क्या होते हैं? निश्चित होते हैं। जैसे ये बता रहा है ए और बी निश्चित बिंदु है, ये रेखा है, इसकी दे देंगे 5 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर, एवरीथिंग जो भी देंगे, इसकी लंबाई क्या होगी? निश्चित होगी। इसे कहते हैं रेखा खंड कहते हैं। इसे प्रदर्शित करते हैं, बस इसका मतलब रेखाखंड ए बी। ठीक, कख करना हो तो कख, दोनों तीर माने रेखा, एक तीर माने किरण, तीर गायब रेखाखंड। समझ में आ गया? चलिए, यहां से प्रश्न आपके आते हैं, चार को ऑब्जेक्टिव बना देगा और इनमें से देखा कौन सा सुलमित सुमेलित नहीं है, कौन सा असत्य है, कौन सा सत्य है, तब वहां भी आपके काम में आएगा। अब आगे आता है संरेख और असंरेख, आपके कोई काम का नहीं है। अब आते हैं पढ़ते समानांतर रेखा, जहां से क्वेश्चन आता है, इसे कहा जाता है पैरेलल लाइन। समानांतर रेखा को अंग्रेजी में कहते हैं पैरेलल लाइन। जैसे ये ए हो गई और ये हो गई, ये हो गया ए, ये हो गया बी। तो जब किन्हीं दो रेखाओं के बीच की आपस में दूरी सदैव समान होती है, यदि उन्हें अनंत तक बढ़ाया जाएगा तो एक दूसरे को कहीं और किसी बिंदु पर प्रक्षेप नहीं करेंगी, ऐसी रेखाओं को हम समानांतर रेखा कहते हैं। ऐसी का क्या कहते हैं? हम समानांतर रेखा कहते हैं। जैसे ही ए और बी हो गई, अगर जैसे मैं बनाया हूं, हो सकता है मेरे बनाने में गड़बड़ी हो गई हो, अगर मैं सही बनाया, इनके बीच की दूरी का सदैव बराबर रहेंगी तो एक दूसरे को कहीं प्रक्षेप नहीं करेंगी, बेशक इन्हें आप अनंत तक बढ़ाते जाएंगे। इसे लिखते हैं ए और बी, ये चिन्ह जो बना दिए बीच में दो टांग खींच दिए, इसका मतलब है पैरेलल, ए और बी पैरेलल है, एक दूसरे के समानांतर है, माने ए बी को यदि अनंत तक बढ़ाया जाएगा तो एक दूसरे को किसी बिंदु पर परिच्छेद नहीं करेंगे। इसे पढ़ेंगे कि ए और बी एक दूसरे क्या है, समानांतर है, या ए समानांतर बी। एक बात और समझ लीजिएगा, आप यहां से समझ में आ रहा कॉन्सेप्ट? यह रेखा हो गई माना यल, ये हो गई यम, यल समानांतर यम दे दिया। परीक्षा में जब प्रश्न आता है, जब डायग्राम नहीं बना रहेगा इसी तरह से प्रश्न देगा। देखिए हमारे बनाने में सकता कुछ कमी हो, लेकिन जब किताब में प्रश्न आते हैं बनाए तो एकदम सही। यल और यम, यहाँ पे मैंने एक और चीज दिया यल। अगर प्रश्न आ गया परीक्षा में यल समानांतर यल,
यल यन के समानांतर है तो क्या यन यम के समानांतर होगा? जरूर होगा, क्योंकि जब ये इसके समानांतर और इसके समानांतर है, मान ली इसकी बीच की दूरी बराबर, इसकी बीच की दूरी बराबर, इन दोनों के बीच की दूरी सदैव, इस प्रकार हम कह सकते हैं यन समानांतर यम, यन और यम के भी समानांतर होगा। ठीक, यूपीएससी में इस तरह से प्रश्न आए थे इसलिए मैं आपको समझा दिया। ठीक, यन और यम के क्या होगा? समानांतर या पैरेलल होगा। ठीक, क्योंकि मान ली इसके बीच की दूरी 8 सेमी, इसके बीच की दूरी 3 सेमी, दोनों जुड़े गए तो 8 3 11, इन दोनों के बीच की दूरी सदैव 11 सेमी होगी, इसलिए यह दूसरे के क्या होंगी? पैरेलल होंगी। समानांतर रेखा कई खंड होते हैं लेकिन आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से वो महत्वपूर्ण नहीं है। आगे बढ़ते हैं हम लोग, इससे ज्यादा आपके इस प्रश्नावली से प्रश्न नहीं आएंगे, आगे बढ़ते हैं। अब आता है कोण, जिसे कहते हैं आप एंगल, क्या कहते हैं कोण, इसे अंग्रेजी में कहते हैं एंगल। अगला प्रश्न उठता है कि कोण किसे कहते हैं, कोण की परिभाषा क्या होती है? ध्यान सुनिएगा, जब कोई दो रेखा, दो रेखाखंड या दो किरणें, क्या कहा मैंने, जब कोई दो रेखा या दो किरणें या दो रेखाखंड किसी एक बिंदु पर आकर आपस में मिलते हैं, उनके बीच जो झुकाव पैदा होता है उसे हम कोण कहते हैं। जैसे यह मान लीजिए कोई रेखाखंड थी या रेखाखंड थी, दोनों अगर एक बिंदु पर आकर मिली तो जो इनके बीच जो झुकाव पैदा हुआ इसे क्या कहते हैं? हम कोण कहते हैं। क्या कहते हैं? कोण कहते हैं। और इन दोनों को हम आर्म्स या भुजाएं कहते हैं, इसे हम क्या कहते हैं? शीर्ष कहते हैं। क्या कहते हैं? शीर्ष। ये हो गया कोण का शीर्ष। शीर्ष किसे? जहां पे दोनों रेखाखंड या रेखाएं आकर मिलती हैं उसे शीर्ष कहते हैं। और इसे क्या कहते हैं? दोनों भुजाएं कहते हैं। और इनके बीच झुकाव पैदा होता है उसे क्या कहते हैं? हम कोण कहते हैं। जैसे ये हो गया ए, ये हो गया बी, ये हो गया ओ, तो ए ओ और बी ओ दो रेखाखंड आकर जिस बिंदु पर आकर आपस में मिलते हैं कहां मिले? इनके बीच जो झुकाव पैदा हुआ उसे क्या कहते हैं? हम कोण कहते हैं। और इन्हें भुजा कहते हैं और इसे क्या कहते हैं? शीर्ष कहते हैं। क्या कहते हैं? ये भुजा हो गई और ये कोण को तीन तरह से पढ़ा जाता है। कैसे? देखिएगा, इसको पढ़ सकते हैं हम कोण केवल ओ, कोण ओ, ये रेयर केस में पढ़ा जाता है। वैसे जो कोण पढ़ा जाता है, जो आर्म्स होता है वो दोनों पहले होता है, सिर्फ सदैव बीच में होता है, इसलिए इसको पढ़ेंगे कोण ए ओ बी या कोण बी ओ ए, कोण ओ, कभी कभी इसका नामकरण कर देते हैं कोण ए, तो पढ़ लेंगे कोण ए। और कोण को 60 ज्योमेट्री की भाषा में इस चिन्ह के साथ प्रदर्शित करते हैं। इसका मतलब क्या है? ये कोण, ये हो गया कोण ए ओ बी, कोण बी ओ ए, कोण ओ, कोण ए, यह दोनों सबसे शुद्ध विधि है जो आपके परीक्षा में प्रश्न पूछता है। यह दोनों कभी कंडीशन बनता है तब उसका उपयोग किया जाता है। तो समझ में आया आप लोग को कोण पढ़ने का तरीका? जो शीर्ष होता है वह सदैव बीच में आता है, दोनों भुजाएं पहले लिखी जाती है। समझ में आ गया आप लोग को? कोण 6 प्रकार की होती है। कितने प्रकार के? 6 प्रकार के होते हैं। तो ये सब आप लोग पढ़ेंगे इसलिए मैं इसे क्विक रिवीजन करता हुआ चल रहा हूं। एक होता है न्यून कोण एक्चुअल एंगल। न्यून कोण किसे कहते हैं? देखिए, कोण जो होता है वास्तव में कोण चाहे जितना भी कर ले, लेकिन जो उसका सबसे प्रमुख होता है वह 360 डिग्री तक ही होता है। उसके बाद हम लोग देखेंगे स्टार लगा के कैसे पढ़ते हैं, उसके बाद उसको पढ़ने के लिए ट्रिग्नोमेट्री का प्रयोग करते हैं साथ में। लेकिन अभी तक सबसे पहले पढ़ेंगे न्यून कोण। तो न्यून कोण किसे कहते हैं? ठीक, न्यून कोण वह कोण जिसका मान 0 अंश से अधिक, माने ये 0 अंश हो गया, इससे अधिक क्या होगा? थीटा। ये कोण माने थीटा मान लेते हैं कि वह कोण जिसका मान 0 अंश से अधिक हो और 90 अंश से कम हो। क्या हो? 90। माने जो ये थीटा हो ये 90 अंश से कम हो। ये देखिए, ये 0 अंश हो गया और ये 90 अंश। तो न्यून कोण परिभाषा बन गया वह कोण जिसका मान 0 अंश से अधिक 90 अंश से कम हो, ऐसे कोण को हम क्या कहते हैं? न्यून कोण कहते हैं। कौन सा कोण कहते हैं? न्यून कोण कहते हैं। जैसे 89 अंश का ये क्या है? 90 से कम, 5 डिग्री 90 से कम, तो वह कोण जिसका मान 0 अंश से अधिक हो किंतु 90 अंश से कम हो उसे कहते हैं न्यून कोण। अगला आता है समकोण। समकोण किसे कहते हैं? राइट एंगल। वह कोण जिसका मान पूरा 90 अंश हो, मतलब थीटा इक्वल टू 90 डिग्री, माने थीटा का मान कितना हो? 90 अंश, ऐसे कोण क्या कहते हैं? समकोण कहते हैं। कौन सा कोण कहते हैं? समकोण कहते हैं, माने वह कोण जिसका मान सीधा 90 अंश हो। ठीक, थीटा बराबर 90 अंश। समझ आ रहा है? इसको प्रदर्शित करते हैं इसे।
ये लंब होता है, अभी आगे देखेंगे इसे लंब को विभाजित किया जाता है इसे लंब से, लेकिन आपको क्या मैराथन गणित इसलिए पूरा डीप में नहीं पढ़ा रहे, बस सीधा समझ लीजिए इसे क्या कहते हैं दूसरी परिभाषा ये जानिएगा, ये लंब है इस पे पड़ता है जिसके बीच में 90 का कोण बनता है, इसे कहते हैं समकोण। ठीक, आगे आता है अगला, अब बताइए अधिक कोण, अधिक कोण की परिभाषा बताइए, 90 से अधिक 180 से कम, अधिक कोण, ठीक अधिक, अधिक कोण वह कोण जिसका मान 90 अंश से अधिक हो किंतु 180 अंश से कम हो। कैसे देखिए, देखेंगे पहले 90 डिग्री से बड़ा थीटा, माने 90 अंश से अधिक हो, 90 अंश से अधिक हो किंतु 180 अंश से कम। इसका उल्टा भी लिखते हैं कैसे देखिएगा, नहीं उल्टा परीक्षा मांगे तो परेशान हो जाएंगे, माने वह कोण जिसका मान 180 अंश से कम और 90 अंश से अधिक, उसी को पलट दिए बस, मतलब उसका विपरीत भी सत्य होता है सदैव, माने वह कोण जिसका मान 90 अंश से अधिक किंतु 180 अंश से कम हो, ऐसे कोण को हम अधिक कोण कहते हैं। क्लियर हुआ कांसेप्ट? ठीक, अब आते हैं अगला, रिज कोण या सरल कोण, रिज कोण या सरल कोण, रिज कोण या सरल कोण में देख लीजिएगा, रिज कोण या सरल कोण, ठीक रिज कोण या सरल कोण, माने वह कोण थीटा का मान जिसका मान 180 अंश हो, वह कोण जिसका मान 180 अंश हो, माने थीटा इक्वल टू 180, ठीक मतलब थीटा का मान कितना हो 180 हो, उसे क्या कहते हैं हम रिज कोण या सरल कोण कहते हैं। इसी एक चीज और कहते हैं, 2 × समकोण इक्वल टू 180 या एक सरल कोण, माने दो समकोण को हम क्या कह सकते हैं एक सरल कोण कहते हैं, क्या कहते हैं हाँ, अभी आगे हम लोग पढ़ेंगे कोटि पूरक और संपूरक, सप्लीमेंट्री एंगल और कप्लीमेंट्री एंगल, तब इसका प्रयोग पुनः करना होगा, इसलिए इसको समझते रहिएगा। आगे बढ़े, इसके बाद कौन सा कोण, बृहत कोण, भैया आप लोग मैथ वाले इसलिए आप लोग बताइए, हम तो भैया ज्योग्राफी वाले हैं। बृहत कोण, बृहत कोण किसे कहते हैं, वह कोण जिसका मान 180 अंश से अधिक किंतु 360 अंश से कम हो, इसका विपरीत भी सदैव सत्य होता है, 360 डिग्री से कम, ये थीटा होगा जो 360 डिग्री से इधर होगा, 360 डिग्री से छोटा होगा थीटा और 180 अंश से बड़ा होगा, ठीक ये ना, हाँ सही है, लेकिन जो उसमें बताए थे उसमें तो बता रहे हैं ये थीटा है जी, थीटा इससे हाँ छोटा, इसके पहले जो था वाला थोड़ा सा गलत हो गया था, ये 360 हाँ, इसके जो पहले हम लोग बताए थे वो था कितना 90 से बड़ा थीटा और 180 से छोटा थीटा, और फिर जब 180 लिखे थे 180 से छोटा होगा थीटा, 180 से छोटा होगा इधर छोटा होगा थीटा और थीटा से छोटा होगा इधर होगा ये 90, ठीक तो इसके पहले वाला इसे था थोड़ा सा गलती हो गया था देख लीजिएगा, ठीक ये किताब से नहीं पढ़ा रहे हैं समझ लीजिएगा, थोड़ा बहुत हो सकता माइनर मिस्टेक, ये हो गया बृहत कोण। अगला आता है पूर्ण कोण, पूर्ण कोण किसे कहते हैं, 360 है, माने दो रिज कोण बराबर एक पूर्ण कोण या चार समकोण बराबर एक, ये हो गया कोण के छह प्रकार है। फिर इसी में एक और आता है शून्य कोण, जिसका प्रयोग हम लोग नहीं करते लेकिन इसे कहते हैं शून्य कोण, क्या कहते हैं शून्य कोण, ऐसे कोण की जो होती है पूरी संख्या 7 होती है लेकिन हम लोग केवल कितने का अध्ययन करते हैं 6 का अध्ययन करते हैं। अब आते हैं डायग्राम से इन 6 कोणों को पढ़ते हैं, देखिए ये हो गया कोण, ध्यान से समझिएगा, अगर समझ में आ रहा हो तो नहीं समझ आ रहा हो बता दीजिएगा, बंद कर दीजिए, ये हो गया ए, ये हो गया बी, ये हो गया थीटा, ये हो गया ओ, ये कौन सा कोण अभी दिख रहा है न्यून कोण, अब यहां सबने कर दिया पूरा 90 हो गया, ये हो गया अधिक कोण, न्यून कोण, सम कोण, अधिक कोण, रिज कोण, ठीक अब कौन सा बृहद कोण, अब हो गया बता रहे इसका डायग्राम कैसे बनता है, मतलब यह एक बार घूम के पूरा राउंड यहां तक आ गया, या ए और बी एक ही रेखा में आ गया लेकिन पूरा घूम के आया तो क्या हो जाएगा ये 360, ठीक ठीक सुनाया आप लोग को, ये पूरा डायग्राम से मैंने बता दिया कि कोण क्या क्या प्रकार है। अब आते हैं, ठीक ये हो गया
अब आते हैं, एक प्रश्न पूछता है कोटि पूरक और सम पूरक लंब पूरक, ऐसे चार पांच नाम से पूछता है, ठीक। तो जब ऐसे नाम से पूछेगा कि कोटि पूरक किसे कहते हैं, सम पूरक किसे कहते हैं, तो उसकी अंग्रेजी पढ़ लीजिएगा, क्योंकि आपका जब भी पेपर आता है एक तरफ हिंदी वर्जन एक तरफ अंग्रेजी वर्जन, तो अंग्रेजी वर्जन वाला पढ़िएगा, एक तरफ लिखा होता है कप्लीमेंट्री एंगल, दूसरी तरफ लिखा होगा सप्लीमेंट्री एंगल। तो पहले सी आता है, पहले एस आता है, पहले सी आता है ना, तो माने जिन दो कोणों का योग, जिन दो कोणों का योग सदैव 90 अंश होता है उसे हम क्या कहते हैं, कोटि पूरक कोण कहते हैं, या एक कोण जब अगले कोण का योग 90 अंश होता है, जैसे 30 अंश का कोटि पूरक 60 अंश, 45 अंश का 45 अंश, 50 अंश का 40 अंश। माने देखिए कोण, जो भी कोण हो, कोण ए प्लस कोण बी इक्वल टू कोटि पूरक, बस काम खत्म। कोण ए प्लस कोण बी बराबर कोटि पूरक, समझ में आ रहा है आप लोग को? जैसे अब इसी को, इसका कोटि पूरक निकालना है, या कोई थीटा दिया है, मान लीजिए थीटा दिया, इसी का मान निकालना है आपको, ठीक। इसको उठा के, इसको उठा के उधर पड़े, इसको उधर लेते हैं, ये इसका मान क्या होता है ना, ठीक, इधर ले दीजिए। अगर 90 अंश में से ए निकाल देंगे तो क्या बचेगा, कोण थीटा, सीधी से मान। अब जैसे पूछ दिया 42 अंश का कोटि पूरक क्या होगा, भैया 90 माइनस 42 70 अंश क्या होगा, 90 माइनस 70 40 अंश क्या होगा, 90 माइनस 40 12 अंश क्या होगा, 90 माइनस 12। और जब सप्लीमेंट्री पूछ देगा, ठीक, संपूरक पूछ देगा, तो क्या करेंगे, 180, भैया 110 का संपूरक क्या होगा, 110 का हो जाएगा 170, क्योंकि भैया वो यहाँ जहाँ कोटि पूरक का मान ही देंगे संपूरक, और यहाँ 90 है, 180 डिग्री हो जाएगा, बस। माने जब दो कोणों का योग 180 अंश हो जाए तो एक दूसरे क्या होंगे, संपूरक, और 90 होंगे तो कोटि पूरक, अगर 90 है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, 180 है सप्लीमेंट्री एंगल, समझ में आ रहा है आप लोग को? अभी कभी कभी प्रश्न खाली घुमा के पूछता है, एक कोण अपने के चार गुने से दो कम है, वो लंब कोटि पूरक है, कोण का मान ज्ञात कीजिए, चार गुने से दो अधिक है, एक कोण अपने कोटि पूरक का, एक कोण अपने कोटि पूरक का चार गुने से दो अधिक है, या चार गुने से दो कम है, ठीक, या चार गुने से दो अधिक है, क्या है, माना हुआ यक्ष थी, चार गुने वाले चार गुने यक्ष, दो अधिक ही दो बराबर 90, सॉल्व कर देंगे, यक्ष बराबर 22, फिर दो जाएगा माइनस हुआ 88, 22 चार से काटेंगे 22, यक्ष बराबर 22, वह कौन क्या थी, 22 थी। इसी को टफ कैसे करेगा, प्रश्न बना देगा, क्या करेगा, प्रश्न बना देगा, बस ज्यादा कुछ नहीं करता। भैया एक कोण अपने के चार गुने से दो अधिक कोटि पूरक है, कोण का मान ज्ञात कीजिए, माना कोण यक्ष था, चार गुने माने चार गुने यक्ष, प्लस दो अधिक है, प्लस दो इक्वल टू 90, प्लस दो उधर गया माइनस दो, 90 माइनस दो 88, चार यक्ष बराबर 88, यक्ष बराबर 22, ठीक, समझ में आ गया, माने वो कोण क्या थी, 22 अंश की थी, समझ में आ रहा आप लोग को? चलिए ये कोटि पूरक भी प्रश्न बना सकता है, इसे ऐसे बनाएगा आराम से कर लेंगे, जैसे क्या वैसे रख दीजिए, ठीक। एक बात, क्या एक प्रश्न आजकल पूछा है, बहुत तेज चला है क्वेश्चन पूछने का, 3.5 समकोण अंश का मान होगा, 3.5 तीन सही एक बटा, 3 सही एक बटा दो समकोण का मान होगा, 3 सही एक बटा दो समकोण का मान होगा, बताया भी आपको, 3 सही एक बटा दो, अरे भैया 3 सही एक बटा दो मैंने 3 सही एक बटा दो भिन्न हो गया, तीन सही एक बटा दो, तो दो छह एक 7 बटा दो समकोण का, समकोण का माने गुणा, एक समकोण बराबर काट दिया 45, 7 पचे 35, 7 चौक 28 और 3 31, 7 पचे 45 35 होगा, 7 पचे 35 7 चौक 28 3 हो जाए कितना, 31 315, तो 3.5 समकोण का मतलब 315 अंश। अरे एक समकोण बराबर 90, दो समकोण बराबर 180, तीन समकोण बराबर 270, 3.5 बराबर 270 और 45 जोड़ दिए 315, ठीक। इसी ऋजुकोण पूछता है कि 3.5 समकोण और 1/2 ऋजुकोण का मान कितना होगा, जोड़ दियो, तो बस जैसे प्रश्न का वैसे कर दिए। आजकल ये प्रश्न का नया ट्रेंड चला है पूछने का, प्रश्न पूछने का नया ट्रेंड है, क्वेश्चन को क्वेश्चन भैया कितना एग्जामिनर बनाएगा, चार चार सेट में परीक्षा करानी है आपकी, और पूछना है एक कोणे से तो ये घुमा के पूछता है, बस कहते हैं तुम कभी पढ़े नहीं थे, यही है, हमें आपको क्या लगता है हमें कभी पढ़ा ही नहीं है, ये वास्तव में ऐसे ही लगता है, ठीक। आगे बढ़े जी सर, ये कोण का मामला खत्म हुआ, ठीक, अब आगे चलते हैं।
अब पढ़ते हैं, एक होता है सिरसा विमुख कोण। क्या होता है? सिरसा विमुख कोण। सिरसा विमुख कोण क्या होता है? जब दो सरल रेखा या रेखाखंड या किरणें एक बिंदु पर परिच्छेद करती हैं, तो उनके आमने सामने कोण जो होते हैं वे एक दूसरे के बराबर होते हैं। ऐसे कोण को हम सिरसा विमुख कोण कहते हैं। इसको परिभाषा सुनने से बढ़िया इसके कांसेप्ट को समझेंगे, जल्दी समझ में आता है। न कि जब ना फार्मूला पढ़े ना फार्मूला पढ़ाए। दो सरल रेखाएं जो किसी एक बिंदु पर परिच्छेद करती है, माना बिंदु ओ, और ये किरणें ए और ए वन, बी और बी वन कहां परिच्छेद कर रही है? ओ। तो माना इनका कोण ये बना यक्स यक्स, ये बना वाई वाई। तो ये क्या होगी? यक्स, ये यक्स यक्स वन हो गई। तो यक्स कोण इक्वल टू यक्स वन, और ये हो गया वाई इक्वल टू वाई वन। माने आमने सामने कोण सदैव क्या होंगे? एक दूसरे के बराबर। बात समझ रहे आप लोग? ये कोण आमने सामने क्या होंगे? जैसे इसको लिखते कैसे देख लीजिएगा भैया। कोण देखिए, गणित की भाषा में देखिए, कोण ए ओ बी इक्वल टू कोण ए वन, ए वन कोण ए वन जीरो ओ बी वन। मतलब कोण ए ओ बी इक्वल टू कोण ए वन ओ बी वन। नाम तो सकते थे, नाम जो भी नाम रखेंगे आप, ये कोण हमने पढ़ लिया कैसे लिखते हैं। तो इसके क्या होंगे? एक दूसरे के बराबर होंगे। हम सीधा सीधा समझ ले, क्या करें झंझट पाले। आमने सामने कोण, ये 40 तो ये 75 तो बात खत्म। भाड़ में जाएगा दुनियादारी। समझ में आप लोग को कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? सिरसा विमुख कोण का नहीं समझ में आया? आ गया। चलिए अब दे दिया, अगर इसका एक का मान दे दिया 65 डिग्री, तो कह दिए चारों के मान बताइए, तो कैसे बताएंगे? पता है बहुत आसान है। देखिए जब ई 65 है तो यह 65, यह 65, अब देखिए एक काम और करिएगा, पूरा कितना होता 360, ई दोनों कितना हो गए 130, तो 360 में से 130 निकाल दिया, बच्चा कितना 230, 230 में दो मिला के बराबर बांटना है, क्योंकि जितना ये उतना। अगर इसको x मानेंगे तो ये भी x, तो x प्लस x बराबर 2x, तो 2x इक्वल टू कितना बचा 230, तो 230 और x बराबर 115। ठीक। दूसरा तरीका क्या होता है? किसी भी सरल रेखा के ऊपर बना कोणों का योग सदैव 180 अंश होता है। मान लीजिए सरल रेखा है, इसके ऊपर कोण बने कितना 180 अंश, जब ये 65 है इसमें कितना जोड़ दे 180 हो जाए, मतलब एक दूसरे के संपूरक वाला नियम। 180 में से 65 घटा 115, यहां से बना लिए, यहां चाहे जिससे बना लीजिए। समझ में आया? समझ में आ रहा है? चलो मिटाए इसको। अब आते हैं केवल क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, ज्यादा समय आप लोग क्वेश्चन को सॉल्व करने लगाएंगे। जैसे एक होता है, देखिए एक ही आधार पर दो तीन त्रिकोण बनते हैं, फिर आधार चेंज हो जाता है तो उसके अलग अलग उपनाम है, लेकिन परीक्षा में उपनाम नहीं पूछेगा, डायरेक्ट प्रश्न पूछता है। ठीक। तो हम लोग प्रश्न पे ही फोकस करते हैं, प्रश्न को ही समझने का प्रयास करते हैं। जैसे अगर यह दे दिया, ये ए दे दिया, ये बी दे दिया, ये ओ दे दिया। ठीक। अब यहां पर लिख दिया कोण ए ओ बी इक्वल टू 90 अंश, कितना दे दिया? अच्छा पहले एक प्रश्न बना दे, उसी प्रश्न में चार पांच प्रश्न सॉल्व कराएंगे। लेकिन केवल हम लोग को देखिए पढ़ने से ज्यादा जरूरी है प्रश्नों को सॉल्व करना। देखिए एक डायग्राम ने बना दिया, इसका नाम रखा ए, इसका नाम रखा बी, इसका नाम रखा ओ। अब यहाँ पे हम प्रश्न दे रहे हैं, पहले कोण ए ओ बी इक्वल टू 90 अंश। ठीक। दे दिया, अब इसको ऐसे फाड़ दिया। ठीक। अब दे दिया इसका मान 40 अंश। ठीक। इसका मान दे दिया यक्स, तो इसका यक्स का मान क्या होगा? 50 अंश। समझ में आ रहा? 50 समझ में आ गया ना? थोड़ा टफ करने जा रहे हैं। इसका मान दे दिया 3x, 3x इसका मान पूछ दिया। पूछ दिया क्या? ये मान लीजिए सी है, तो बी ओ सी का मान कैसे रखेंगे? कुछ नहीं करना है यार, बहुत आसान है। ये 3x है, मान लीजिए इसको 2x रखते हैं, 3x है, 2x है। अब पूछ दिया x की वैल्यू क्या होगी? अब x की वैल्यू क्या होगी? क्योंकि इन दोनों का योग 90 अंश है, तो लिखेंगे 3x प्लस 2x बराबर 90 अंश, 5x बराबर 90 अंश, 5 से कट गया 18, तो x की वैल्यू 18। अब कोणों का मान पूछ दिया, तब वैल्यू रख दीजिए भैया। 18 है ना, 18 गए 54 और 18 36, तो 54 और 36 का कोण हो गया। ठीक। समझ आ गया? चलिए इसी प्रश्न आगे बना रहे हैं।
लिखते चलिएगा, जो समझ में आएगा, नहीं आएगा तो वीडियो अपलोड हो जाएगी। उसके बाद देखिए कोण दे दिया, यदि कोण ए ओ सी अनुपात कोण बी ओ सी, कोण ए ओ सी अनुपात कोण बी ओ सी अनुपात बराबर 3:2:3 हो तो निम्नलिखित कोणों का मान ज्ञात करें। क्या करें? निम्नलिखित कोणों का मान ज्ञात। तो सर आप लोग को अमित सर ने पढ़ा होगा एवरेज के साथ साथ आपको पढ़ा होगा रेशियो अनुपात। तो जब अनुपात क्या करेंगे, ये दोनों अनुपाती योग, अनुपाती योग से कुल पदों में भाग देंगे तो हो जाएगा, माना ये 2x हो गया 3x, 3×2 5x, तो क्या लिखेंगे 90/5x^5 गुणे 2। ठीक, नहीं तो ऐसे लिख दीजिए, ये तो देखिए अनुपात का नियम है, ऐसे लिख दीजिएगा 2x + 3x = 90, x का मान 18 निकल जाएगा, 18 × 36 = 54। समझ में आ रहा है आप लोग को? बहुत आसान है, अरे सब ज्योमेट्री मेट्री बहुत आसान है, मैं तो सबसे सरल सब्जेक्ट होता है गणित, हमको भले नहीं आता। ये हो गया कॉन्सेप्ट, क्लियर हुआ? नहीं क्लियर हुआ? ठीक है, आगे बढ़े, हो गया ना? अब प्रश्न बना के फिर पूछेंगे जिससे वो बताएगा। ठीक, क्वेश्चन लिखिएगा, पहले बड़ा समय लग जाएगा ना, अच्छा सुन लीजिए, कैसे प्रश्न बनाएंगे सुन लीजिए। देखिए कि यदि कोण AOB बराबर 90° हो, यदि कोण का अर्धक या कोण के बीच से एक अन्य कोण बनाया गया है, तो कोण AOC, यदि कोण AOC कोण BOC का 2 गुना है, कितना है 2 गुना है, तो कोण BOC का मान ज्ञात करिए। ये इसका 2 गुना है, इसको मानेंगे x, इसको मानेंगे 2x, इसको मानेंगे x, इसको मानेंगे 2x। अब दोनों का योग बराबर 30-60, उसका दोनों का योग बराबर 90, 2x + x = 3x, 3x = 90, x = 30, 30-60। ऐसे चित्र नहीं बनाएगा, डायरी से लिख देगा और हम आपस तो लगे कैसे, कुछ नहीं करना है भैया, ये माना यक्स है, इसका दुगुना है तो ये होगा 2x, या ये इसका आधा है, जब इसका आधा कहेगा तो ये यक्स हो गया, 1/2x हो गया, आधा माने इसको 2x कर देंगे। देखिए आधा वाले कुछ लोग गलत करते हैं, इसे माने इसको यक्स, इसको मानेंगे 1/2x, ऐसे ना मान लो, इसको मानो 2x, इसको मानो यक्स, हो गया आधा, 2 का आधा 1, लगाना आसान, 3x = 90x + 30, कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? समझ में आ गया? आगे बढ़े, चलिए आगे जो हम लोग पढ़ेंगे वो हम लोग पढ़ेंगे सरल रेखा पे कोण का योग ज्ञात करना, या सरल रेखा पे कोण का मान ज्ञात करना। ठीक है, इसके पहले हम लोगों ने देखा था कि अगर एक कोण इस तरह से हो, अर्थात समकोण पे हम लोगों ने देखा था कि अगर दो कोण है, अगर दोनों कोणों का योग 90° है, तो उसमें कैसे भी प्रश्न बनाया जाए तो उसके प्रश्न पूछे जा सकते हैं और आप आसानी से कर लेंगे। लेकिन कभी कभी क्या करता है, देखिए जैसे हम एक ही प्रश्न, एक ही चित्र बनाएंगे, उसमें 4-5 प्रश्न करा दे रहे हैं, जैसे कोई डायग्राम बन गया, ये हो गया ए ओ, ये हो गया बी, ये हो गया कोण। ठीक है, यहाँ दे दिया यदि कोण ए ओ बी बराबर 120° हो, तो दे दिया कोण यदि AOB बराबर 120°। अभी ये कुछ ओरली आप लोग बता लेंगे तुरंत, अगर ये आपका 80° का कोण हो, ये कैसे करूंगा, बस बहुत सही, बहुत आसान है बताना। ठीक, चलिए अगर ये है 5x और ये है 3x, तो x की वैल्यू निकाल लेंगे भैया, 5x + 3x = 120, 8x = 120, x = 15, कितना आएगा, बस कितना आसान है। ठीक, अगर पूछ दिया दोनों कोणों का मान, अगर दोनों कोणों का मान पूछ दिया तो क्या करेंगे, यहां वैल्यू रख देंगे 15 × 3 = 45, 15 × 5 = 75। ठीक, क्योंकि इन दोनों का देखिए पूरे का योग तो दिया 120 ना, अब अनुपात में दे दिया जैसे जैसे इसका इसका अनुपात लिख रहे हैं, जैसे इसका दे दिया 1:5, दे दिया 1:5, मतलब कोण नहीं लिखा, मतलब हमने यहाँ अगर हम लिख देते हैं कोण सी, तो कोण बी ओ सी का अनुपात है कोण ए ओ सी बराबर 1:5, माने इसका अनुपात 1, इसका अनुपात है, तो माना ये x और ये हो गया 5x, लगा दीजिए, या तो अनुपात योग जोड़ दीजिए 5x, कुल योग में भाग दे दीजिए 120
भागे छह गुणे एक करेंगे तो इसका और गुणे पांच करेंगे तो इसका तो छह दुनी बारह बीस और सौ बस बहुत ज्यादा टफ नहीं पूछेगा। समझ में आ रहा आप लोग को? आगे बढ़े फिर आता है सरल कोण। ये जीरो हो गया मतलब ओ हो गया ये हो गया बी ये सरल कोण है ऋजु कोण कहते हैं इसका मान सोसियंस होता है इस पे बने सभी कोणों का योग का मान कितना होगा सदैव सोसियंस होगा। जैसे ये दे दिए 60 अंश इसका मान कितना होगा बस बहुत तेज ध्यान आप लोग इसका हो गया 120 अगर ये 60 है तो कितना हुआ सबको समझ में आया नहीं आया ये है 45 ये है 60 ये है यक्स आप बताइए बस ये दोनों जोड़ी 120 घटा देंगे 75 अंश भैया क्योंकि सरल कोण के ऊपर या नीचे जो बने कोण का मान होता है 180 अंश होगा इन तीनों का योग 180 अंश होगा ये दोनों जोड़ के घटा देंगे बात खत्म समझ में आया। अब ये दोनों कितना हुआ 60 105 180 105 गया 75 अंश बिना प्रिंट ऐसे प्रश्न आता है उठा के देख लीजिएगा पेपर ठीक अभी बता रहे आउट ऑफ कर रहे हैं इसको ये हुआ अब बस अब यहीं पे दे दिया अब इसका नामकरण कर देता है ये दे दिया डी अब दे दिया कोण ए ओ यो ये दे दिया 3x 2x x ठीक अब कहा इसकी वैल्यू बताइए या कह दिया कोण डी ओ सी का मान ज्ञात कीजिए तो पहले निकाल तीनों का योग 3 2 5 प्लस 1 3x प्लस 2 5 1 6x 6x बराबर 180 x बराबर 30 अंश ये 30 ये 60 ये 90 भाई वैल्यू रखते चलेंगे ना क्योंकि सब पढ़ चुके हैं इसलिए मैं ओरली बता रहा हूँ ऐसा मत कहिएगा नहीं को समझ में नहीं आया समझ नहीं आया पूछ लीजिएगा ये सब कहा वास्ते जा रहे हैं जो समझ में नहीं आ रहा है भैया यही करेंगे देखिए 3x धन 2x अब इसको लिखेंगे लिखते कैसे कोण ए ओ सी धन कोण सी ओ डी धन कोण डी ओ बी बराबर 180 अंश इसलिए कोण ए ओ सी बराबर 3x प्लस 2x प्लस x बराबर 180 अंश 3 2 5 1 6 x बराबर 180 अंश इधर गुणे में उधर भागे में x बराबर 180 बटे 6 फिर x बराबर 30 अंश फिर मान रखेंगे फिर कोण ए ओ बराबर x बराबर इतना यहां रखें 2x 2 गुणे इतना ऐसे आएगा लेकिन आप लोग ओरली समझ लीजिए उनका योग करके साक्षात में लगा देना समझ में आया। अब इसी का अनुपात में पूछ देगा कुछ नहीं करता ये अनुपात में दे देगा। अब देखिए अब जरा बताइएगा आप लोग बताइए मान अब कह दिया कौन इसका मान ज्ञात कीजिए कौन सी ओडी का मान बस इनका जो योग होगा वो 180 अंश होगा 30 50 जिनका योग होगा वो 180 अंश होगा इस वाली का योग करके निकाल लिया इसके वाले रख दीजिए बात खत्म। अब वो तो आप लोग खुद ही काट लेंगे अब अब सॉल्व करना है अब बता दे सॉल्व करके नहीं कहीं पीछे बता रहे यार प्लस 2 या माइनस देखिए यह कौन धनिया बराबर 180 अभी प्लस माइनस कट गया तो 3 2 5 1 6 x बराबर 180 x बराबर 30 अब यहां रख देंगे तो ये वैल्यू हो जाएगी 30 यहां 30 दूनी 60 में से 10 गया 50 ये 30 30 3 90 10 100 100 बस। अब भाई मेथड लगा तो बड़ा लंबा लगेगा क्योंकि परीक्षा में ये माने नहीं रखता हमने प्रश्न कैसे लगाया माने ये रखता आपने उत्तर कौन सा लगाया तो ये विकल्प लगा उत्तर आपको जल्दी लाना है ये तरीका ये हो गया क्योंकि ये मैराथन क्लास में पढ़ा रहा हूँ मेथड आप लोग को हम इससे पहले पढ़ा चुके हैं समझ में आ रहा है आगे बढ़े ये एक समझ में आ गया ना पूरा अनुपात पे देगा जैसे ये 3 अनुपात है 2 अनुपात 1 है तो इस कोण का मान क्या होगा उस कोण का मान कुछ भी पूछे आप लोग आसानी से कर लेंगे ठीक आगे जिससे पूछेंगे वही बताएगा। आप बताइएगा एक्स का मान क्या है हाँ डायरेक्ट यह अगर नहीं दिया जिसको मानेंगे सरल कोण अगर नहीं दिया जिसको मानेंगे क्या सरल कोण मानेंगे देखिए कहेंगे तो दिया ही नहीं है कोण ए ओ बी बराबर 100 याद रखिएगा जब कभी इसका मान न दे डायग्राम बना दे तो जगह सरल रेखा में है सरल रेखा के कोण चाहे दाएं तरफ बने चाहे बाएं तरफ बने चाहे ऊपर बने चाहे नीचे बने उसका योग जो होता है वो सदैव 180 अंश होगा ठीक जो भी आएगा घटा देंगे पर उत्तर आ जाएगा ठीक
ऐसे परीक्षा प्रश्न पूछेगा भी और बता रहे कैसे पूछेगा, रहस्य तो बनाएगा, कहेगा इसका उत्तर क्या होगा, हम सब कहेंगे अरे पता नहीं कैसे लगेगा, ज्योमेट्री जो है सबसे सरल होती है ज्योमेट्री। अरे आप लोग से एक प्रश्न पूछे थे कि हु फादर ऑफ द ज्योमेट्री, बताए आप लोग, न्यूक्लिड, लिख लीजिएगा न्यूक्लिड, रेखागणित के जनक न्यूक्लिड है। ये था सिरसा विमुख कोण, आप लोगों ने पीछे पढ़ लिया था सिरसा विमुख कोण, हम लोगों ने पढ़ा था कि जो आमने सामने कोण होते हैं, जो भी कोण होते हैं आमने सामने, वो सदैव क्या होते हैं, इक्वल या बराबर होते हैं, ठीक है, क्या होते हैं, इक्वल या बराबर, कैसे होते हैं, या तो इक्वल या तो बराबर। अब यह 65 तो यह 65 और यह भी 65, ये दोनों बराबर, 65 65 130, कुल जोड़ दिया, कुल जोड़ के 130 घटा दिया, जितना बचा दो हिस्सा, दोनों बराबर हिस्सा, तो ये दोनों यक्ष है, तो 2x बराबर इतना है, एक तरीका, दूसरा तरीका, ये बना ली सरल कोण, ध्यान दीजिए, इसके ऊपर से दोनों का योग 180 है, तो जो 65 होती है 115, बस अब इधर बना लिया, ये एक होगा जहां मिला 115, ये हो मिल गया 115, ये तो 65 पता है, पर राइटिंग में थोड़ी गड़बड़ है हमारी, चला लीजिए काम, ठीक, समझ में आ गया। अब पढ़ते हैं, जब दो समानांतर रेखा को तिर्यक रेखा पर छेद करती है तब कोण के मान कैसे ज्ञात करते हैं, वही समझ लेंगे, आज से रेखागणित खत्म हो जाएगी, थोड़ा सा टफ है लेकिन थोड़ा सा दिमाग लगाए ना काम खत्म। देखिए यह रेखा खींच दिया मैंने यल, यहां से मैंने खींच दिया यल, ठीक, यहां से रेखा पर छेद कर दी, इसका नाम है पी फॉर पैरेट, पैरेट माने तोता, ठीक। जब कोई दो समानांतर रेखा को कोई तिर्यक रेखा पर छेद करती है तो आठ प्रकार के कोण बनते हैं, कितने प्रकार के, आठ प्रकार के कोण, देखा 1 2 3 4 5 6 7 8 जैसे लिखे कोई मतलब नहीं, तो है क्यों समझा रहा था आपको, इसमें बहुत सारे नाम है, समानांतर कोण, एकांतर कोण, बाह्य समानांतर, बाह्य अंतर, अंतः संगत कोण, बाह्य संगत कोण, सब फाड़ में जाए, परीक्षा में नहीं आया, मुद्दे बात है कैसे, ये देखिए जब किसी समानांतर रेखा को, यहाँ रेखा रहेगा यल समानांतर यम, रेखा जब पी पर छेद करती है तो आठ प्रकार के कोण बनते हैं, वह कोण देखते हैं कौन कौन से कोण बनेंगे। देखिए यह दोनों कोण क्या होंगे, जब सरल रेखा काटेगी तो कोण और एक छह, लिखेंगे कोण एक बराबर कोण, यह देखिए ये दोनों बाह्य कोण है, जब समानांतर तिर्यक है तो जितना अंश ये उतना अंश, तो माने कोण एक और कोण छह के बराबर, तो कोण दो और कोण पांच के बराबर, उसी तरह कोण चार कोण आठ, कोण तीन कोण सात, क्या लिखिए आप लोग खुद ही बता दे रहे हैं, ठीक, माने ये बाह्य संगत है, अब ये अंतः संगत हो गए, समझ में आ रहा आप लोग को, कोई दिक्कत। अब अगर हम यहाँ किसी एक का मान रख दिए, मान लीजिए इसका मान रख दिए हम 115 आंसर, चलिए तो इसका भी मान कैसे, सिरसा विमुख के नियम से, ठीक, अब 115, अब ये कितना होगा, ये दोनों का योग, क्यों, सरल रेखा के नियम से ये हो गया, ये भी, अब यहां आ जाइए, अब एक तो बता दिए सारे कोण बता देंगे आप, कहीं कोई बता दे, ठीक, अब एक बात समझ लेते हैं, अब इन दोनों का योग क्या हो गया 180, माने एक ही तल में स्थित दोनों कोणों का योग सदैव 180 अंश होता है, समझते दिल भी काम देगा, भी रूल बनेगा एक अट्ठो, ठीक, यहां भी देखिए 180, अब इन दोनों का भी योग और इन दोनों का योग भी 180, इन दोनों का योग और इन दोनों का योग भी 180, समझ में आ रहा कॉन्सेप्ट कि नहीं आ रहा, आ रहा है ना, अब लेकिन जब देखिए यहां पर ये है बना रहे जेड, जेड बना, यह दोनों कोण आपस में बराबर, ये दोनों कोण आपस में कहेंगे ईस्ट, कैसे समझ में, एक साथ उपयोग कहां करेंगे, अभी दिखाएंगे कैसे किसी का यूज होगा, अभी सबका यूज दिखाएंगे कैसे कैसे कोण बना, तो हमें क्या देखना था, आमने सामने 180 एक ही तल में है, जेड बना तो बराबर और एकांतर संगत दिख ही रहा है, और एक बाह्य एक आंतरिक, एक बाह्य एक आंतरिक का योग 180, क्लियर होगा सर, आगे बढ़े, एक रूल और बता देंगे, कहां से समझ लीजिए, खाली याद कर रहा नहीं है, गणित में कौन याद करता है यार, अब देखिएगा
त्रिभुज आप लोगों को पढ़े होंगे, पढ़ाए होंगे अभी सर, नहीं पढ़ाए अभी, मत नहीं पढ़ाए पढ़ाए हैं पहले पढ़ाए। सबसे पहले पढ़े त्रिभुज किसे कहते हैं? तीन भुजाओं से घिरी हुई बंद आकृति को क्या कहते हैं? त्रिभुज कहते हैं, उसको इस अक्षर से प्रदर्शित करते हैं, ये हो गया त्रिभुज। त्रिभुज क्या होता है? तीन घिरी हुई बंद आकृतियों से मिलकर क्या होता है? त्रिभुज का निर्माण होता है। क्या होता है? एक त्रिभुज में सुन लीजिएगा, तीन कोण, तीन शीर्ष और तीन भुजाएं। एक त्रिभुज में तीन कोण, तीन शीर्ष और तीन भुजाएं, चट्टान कहते हैं। तो तीन भुजाएं, तीन शीर्ष और तीन कोण होते हैं। किसी भी त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योग सदैव 180 अंश होता है। और तीनों कोण, ठीक है, फिर बताएंगे। अब दो कोणों का योग सदैव तीसरी कोण से बड़ा होता है। जिस त्रिभुज, किसी भी त्रिभुज के यदि कोई कोण छोटा है तो उसके सामने की जो भुजा होगी सदैव छोटी होगी, और बड़े कोण सामने की भुजा बड़ी होगी। इसका विपरीत भी होगा, बड़ी भुजा के सामने का कोण बड़ी कोण और छोटी भुजा के सामने का कोण छोटा कोण। समझा कॉन्सेप्ट? ठीक, किन्हीं दो भुजाओं का योग करेंगे सदैव तीसरी भुजा से बड़ी आएगी। ये त्रिभुज के नियम है। ठीक, त्रिभुज को दो भागों में डिवाइड करते, क्लासिफिकेशन ऑफ द ट्रायंगल मेजर ऑफ टू पार्ट। एक होता है अकॉर्डिंग टू एंगल, एक होता है अकॉर्डिंग टू, देखिए भुजा आर्म्स। एक होता है त्रिभुज को भुजा के आधार पर तीन प्रकार से कहते हैं, फिर कोण के आधार पर भी तीन प्रकार से। भुजा के आधार पर पहला है समबाहु त्रिभुज, नमवा सिस्टम स्पष्ट हो गया। सम माने बराबर, बाहु माने भुजा, माने ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाओं की लंबाई आपस में बराबर हो उसे कहते हैं समबाहु त्रिभुज। ये हो गया A, B, C। अब ये इसमें तीन टांग काट दिया गया है, इसका मतलब है ये बस ये प्रदर्शित कर रहा है, ये दर्शा रहा है कि तीनों भुजाएं जो है इसकी आपस में बराबर है। तो ये समबाहु त्रिभुज होगा। जब ये समबाहु त्रिभुज की तीनों भुजाएं बराबर होती है, उसका तीनों कोण भी आपस में बराबर। तीनों कोण 60-60, 36-18, 180 अंश। समझ में आया आप लोग को? फिर आता है सम द्विबाहु। सम माने बराबर, दुई माने दुई, बाहु माने भुजा, माने ऐसा त्रिभुज जिसकी दो भुजाएं बराबर हो, तीसर का अपने आप बड़ा या छोटा हो जाएगा, उसे क्या है? सम द्विबाहु। इसको क्या करेंगे? कुछ नहीं, ये डायग्राम में एक टांग है, इसको दो टांग कर देंगे, बस। इसका मतलब है सम द्विबाहु त्रिभुज। ठीक, बाकी सारे रूल वही है। अब क्या होगा? अब इस पे जिस पर आके जुड़ेंगे ये दोनों जो कोण होते हैं वो आपस में, इसे शीर्ष कहेंगे। किसी भी समबाहु त्रिभुज या सम द्विबाहु त्रिभुज, ध्यान दीजिएगा, किसी भी समबाहु त्रिभुज या सम द्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष से डाला गया लंब, शीर्ष से डाला गया लंब इसके आधार को सदैव समद्विभाजित करती है। समद्विभाजन तो बराबर, ये 10 था तो 5-5 कर दी। सुन आप लोग को, हाँ, ये 5-5 कर दी। अब आता है विषम बाहु। नाम से स्पष्ट होता है कि विषम माने अलग अलग। ठीक, जैसे ये हो गया, ये हो गया, तीनों कोण भी अलग अलग होंगे, अब तो ये विषम बाहु हो गया। यहां से बना लीजिए, ये देखिए, ठीक, ए बी सी नाम रख दिया, ए बी सी, तीनों की लंबाई अलग अलग हो। ठीक, छोटे के अब ये बड़ी भुजा है, इसका मतलब कोण बड़ा, छोटी भुजा कोण, बड़ी भुजा छोटा, रूल काम किया ना। तो हो गया त्रिभुज के ये भुजा का आधार। बहुत तेजी से पढ़ा रहे, बाद में मत कहिएगा देखिए समझ नहीं आया, ये परीक्षा आपकी 8 दिन है। अब आगे आते हैं कोण के आधार पर। सबसे पहला होता है न्यून कोण त्रिभुज। कौन सा? न्यून कोण त्रिभुज, वह त्रिभुज जिसका तीनों कोण न्यून कोण, उसे न्यून कोण त्रिभुज कहते हैं। कौन सा कोण? न्यून, तीनों कोण न्यून। भैया न्यून कोण तो आप पढ़ चुके हैं, जो 90 अंश से कम हो। ठीक, समझना कॉन्सेप्ट। एक कॉन्सेप्ट समझ लीजिएगा, मुंह धो लीजिए, एक कॉन्सेप्ट समझ लीजिएगा बेहतर तरीके से। ठीक है, जैसे न्यून, एक न्यून कोण त्रिभुज, एक न्यून कोण त्रिभुज क्या क्या हो सकता है, को ध्यान सुनिएगा, समबाहु त्रिभुज हो सकता है। कौन सा? समबाहु। कैसे? 60-60। एक न्यून कोण त्रिभुज सम द्विबाहु त्रिभुज हो सकता है, मान लिया यार 70-70 और ये 40 हो गया। एक न्यून कोण त्रिभुज 80 50 50 50 का 80 और 60 और ये 40 समबाहु हो गया। माने एक न्यून कोण त्रिभुज समबाहु त्रिभुज भी हो सकता है,
समद्विबाहुत्रिभुज भी हो सकता है और विषमबाहुत्रिभुज भी हो सकता है। सुन मैं आप लोग को, एक न्यून कोण त्रिभुज यह भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी, माने रेयर केस में तीनों को हो सकता है। आगे आते हैं, अब आता है समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज मतलब ऐसा त्रिभुज जिसका एक कोण 90 अंश का हो, बाकी अन्य दोनों भुजाओं कोणों का योग 90 अंश हो और त्रिभुज के तीनों अंत कोणों का योग 180 अंश हो, ऐसे त्रिभुज को समकोण त्रिभुज कहते हैं। एक समकोण त्रिभुज में जहां समकोण होता है उसके सामने की भुजा को कर्ण कहते हैं, कर्ण जिस पर लेटा होता है उसे आधार कहते हैं, और जो खड़ा होता है इसे। ठीक, अब यहीं से निकल जाएगा पाइथागोरस प्रमेय। देखिए पाइथागोरस प्रमेय क्या था, कर्ण पे बने अगर ये 5 है, ये 4 है, ये 3 है, चित्र बना दिए, देख लीजिएगा अगर डायग्राम सही होता तो आ जाता, यही पाइथागोरस प्रमेय है। देखिए 4 का वर्ग 16 है, ये 9, 16 9 25 खाना है, गिन लीजिए थोड़ा सा, डायग्राम भी स्केल से नहीं बना है, छोटा बड़ा है, 25 खाना ये है। यही है पाइथागोरस प्रमेय, किसी भी समकोण त्रिभुज के कर्ण पे बना वर्ग अन दोनों भुजाओं बने वर्गों के योग के सदैव बराबर होता है। ये हो गया आपका पाइथागोरस। एक समकोण त्रिभुज कभी भी समबाहु त्रिभुज नहीं हो सकता, याद रखिए, सदैव नहीं हो सकता। क्यों? इसकी तीनों भुजाएं समान हो ही नहीं सकती। क्या क्या हो सकता है? या तो समद्विबाहु होगा, जैसे ये 90 हो गया, ये 45 45 हो गया, तो ये दोनों क्या होंगे बराबर, ये अलग, विषमबाहु भी हो गया, एक 90 हो गया, एक 60 31। इसलिए एक समकोण त्रिभुज किसी भी कंडीशन में समबाहु त्रिभुज नहीं हो सकता, विषमबाहु और समद्विबाहु हो सकता है। और ये पाइथागोरस प्रमेय पढ़े हैं, इन्हें क्यों बताया, कर्ण का स्क्वायर तो कई बार पढ़े हम लोग, ठीक पढ़े हैं ना। अब आते हैं कौन सा, क्या बचा है, अधिकोण त्रिभुज सीधा सीधा यार, यही एक होगा मान ली 120 अंश, ये हो गया 40, ये हो गया 20, ये हो गया, मतलब एक विषमबाहु त्रिभुज, सॉरी ये तो एक अधिक कोण त्रिभुज क्या क्या हो सकता है, कभी भी समबाहु त्रिभुज नहीं हो सकता। का है भैया, उसमें सभी 60 60 चाहे या अकेले 60 90 ज्यादा होना चाहिए, तो क्या क्या हो सकता है, ये तो हो गया, देखिए ये तो विषमबाहु हो गया, स्पष्ट दिख रहा है, और समद्विबाहु हो सकता है, जैसे ये 120 हो गया, ये 30 30। ठीक, तो एक अधिक कोण त्रिभुज समद्विबाहु और विषमबाहु त्रिभुज हो सकता है, जबकि कभी भी किसी भी कंडीशन में समबाहु त्रिभुज नहीं हो सकता। यह चीज इतना याद कर लीजिए, एक और बता दे, फिर से सवाल करते हैं, ये तो नहीं कह रहे कब से क्या पकड़वा रहे हैं। अगर कोई दिक्कत तो बता दीजिएगा, पढ़ाने में कोई कमी हो बता दीजिएगा। अगर कभी इस तरह का सवाल आ जाए, ये 40 से 47 अंश का मान पूछ दे, ठीक, तो क्या करते हैं लोग, पहले त्रिभुज के तीनों अंत कोणों का पहले इसका मान निकालेंगे, फिर इन दोनों का योग 180 अंश इससे घटाएंगे। इस केस में आप क्या करिएगा, इन दोनों का जो योग होगा वही इसका उत्तर होगा, लगा के देख लीजिए, 7 4 11 110। अब ऐसे निकाल दे त्रिभुज वाले से, तो त्रिभुज के तीनों अंत कोणों के योग 180, 7 4 11 110, 110 में से 180 का टाइम कितना आएगा, 70 या 70 लिखते हैं, फिर इन दोनों सरल कोण बन गया, फिर 180 70 निकाल दे, तब आता 110। जब कभी कोई बाहर कोण पूछे, अगर यही पूछ देता तो क्या करते, इन दोनों का इधर पूछ देता, इन दोनों का बस निकाले, देख लीजिए क्या इधर से पूछे, ठीक, वो मेहता मत, इन दोनों जोड़ दिए उत्तर आ गया, बस जोड़ उत्तर, कौन झंझट पालेगा, ठीक,
अब इसी के आधार पर आज जितना हम लोगों ने पढ़ा, इस पे जितने भी सवाल लगते हैं वो हम आपको अगले दिन लगवा देते हैं, क्योंकि आप लोग मेरे लग रहा है बहुत ज्यादा हो गए हैं। ठीक, नहीं तो आप लोग कहेंगे कितना पढ़ा रहे कभी तुम लोग को। ठीक, ये इतना मैराथन क्लास, इतना आप लोग एक बार घर से रिविजन कर लीजिएगा। इस पर केवल सवाल करवाना है, सवाल हम कल करवा देंगे, नहीं आप कहेंगे 10 मिनट रेस्ट कर ली फिर करवा देते हैं, आपको आज खत्म कर देते हैं। ठीक है, चलिए तब तक आप लोग थोड़ा सा आप लोग हाँ ब्रेक ले लीजिए। चलिए क्वेश्चन लगाते हैं हम लोग पहले। अरे यल और यम एक समानांतर, यल यम के समानांतर, ये यल और यम ये दोनों एक दूसरे के समानांतर रेखा हो तो कोण यक्ष का मान क्या होगा। यहाँ पे जो पी बिंदु पी है ये मान लिया कोण यक्ष है, इस कोण का मान क्या होगा। बहुत ही आसान सवाल है, कुछ नहीं करना है, पहले इसका मान निकाल लीजिए, इसका इसका ठीक, इसका फिर इसका, ये दोनों जोड़ देंगे कि त्रिभुज बन गया, इन त्रिभुजों का योग निकाल लेंगे, त्रिभुजों का योग निकाल लेंगे, फिर यहाँ पे जो आएगा आपका ये दोनों जोड़ लेंगे घटा देंगे इसका मान। समझ लिया आप नहीं समझे भैया, इनका इनका मान पहले निकाल लेंगे आप लोग। भैया ये त्रिभुज बन गया, त्रिभुज के तीनों मध्य कोणों का योग 180 अंश, तो ये हो गया 9 4 13, ये हो गया 50, हो गया 50, 9 3 12 7। अब ये सरल रेखा कोण बन गया, याद करिए यहाँ ये वाला कोण तीनों का 180 होता था, तो यहाँ भी क्या हो गया इनका 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 180 अंश, ये 6 5 11 तेज है आप लोग, बस आसान एकदम, जितना रूल पड़े उतना लोग खाली फॉलो कर देना है, बस कुछ नहीं करना है। अच्छा सर, ये भी हो सकता है सिरसा विमुख विकोण इसमें आ सकता है। आएगा, वो भी आएगा, ये सब तर्क दे भी सकता है। नहीं सर, अगर वहां पर अगर वो 70 हो सकता है तो जो 50 60 है तो वो भी बराबर होने चाहिए। कौन ये 50 60, ये कौन, ये लंबाई ये बड़ा हो ये छोटा हो, तब लंबाई नहीं दिया ना, लेंथ नहीं दिया। ठीक, सिरसा विमुख ये हमेशा सामने, ठीक बढ़ाए मिटाए डायग्राम बनाते चले छापते चलिएगा। ठीक, चले आगे। एक्स की वैल्यू निकाली, ये कितना होगा 180 घटाएंगे 168, ये दोनों का योग 68 72 योग 140, तो ये भी 140। वैसे भी सरल कोण मान के सही लगा दो। अरे ये तो तेज दिमाग गई है आप लोग, डायरेक्ट मार दिया आप लोग, धन्यवाद, सही है यार, ये तो डायरेक्ट लग गया। अब क्वेश्चन मारते समय ये नहीं ध्यान दें, सोचे इसका ये निकालेंगे तब हम निकालेंगे, ये रास्ता लंबा है आपको शॉर्टकट मार दिए। चलिए, इसका मतलब है आज जो मैंने पढ़ा आपको समझ में, इसका ये मतलब है। चलिए, बड़ी खुशी होती है, तो उसको ध्यान ही नहीं रही तो कैसे भागता तो छोड़ लिया इतना जल्दी, जाके बढ़े मिटा है ना यार आपको। कितना रखे हैं, 115 जो कहें आप, 112 रखते वो ऊपर आया था, एक्स वाई का मान क्या, एक्स और वाई का, इसका तो निकाल लेंगे तुरंत, इसका 68 आ गया, हाँ याद है कैसे, अरे यार ये वाला याद करिए। ठीक, जब ये है कोण, ये दोनों और सुनिए, इन दोनों कोणों का योग 180 है, बता दीजिए, समझ में आ गया मतलब, आप लोग को समझ में आ गया, मिटाए अब। बजाए इन लोग को, बजाना पड़ेगा, चलिए बजा रहे हैं।
सकता है ना। चालीस खांसी बता रहे हैं, मजा नहीं। अच्छा सांस वाई, चलिए निकालिए यक्सर वाई का। इसको लगाने के लिए जुगाड़ लगेगा, क्योंकि इसे समझ में आ करना क्या है ना। देखिए आप लोग करिए क्या, इसको पहले डाटा डॉट पैक कर दीजिए ठीक। एक तरीका ये हो गया, या तो बीच वाले से फाड़ दीजिए। जी सर ठीक, फाड़ दीजिए। जब ये 50 है तो कितना होगा 130, ये 40 है तो ये 140, इन दोनों का योग 250। जी सर, क्योंकि दोनों का योग ही हटा देंगे, दोनों का योग 150। ये तरीका, या ऐसे खींच लीजिए सबको निकाल लीजिए। अब भैया ये पूरा 360 होगा, जब इधर का कितना हो गया 250, इधर का 110 ठीक। या तो इसे फाड़ लीजिए ठीक। और तरीका, ये 50 है, ध्यान दीजिए 50, देखिए ऐसे जेड बना, ये 50, ये 40 तो ये 40, 40 50 अच्छा ये 270 होता है, 250 होता है, ये 270 होता है। हाँ तो गलत बताया, इसलिए गलत, ये 270 हुआ था, तो ये कितना आता 90, ऐसा निकल गया 90, और जब ये 90 है 360 से 90 घटा दियो ठीक। या तो इसे पैक कर लीजिए, जैसे इच्छा वैसे लगा। समझ में आया, आगे समझ में आ रहा है ना कोई दिक्कत बेटा इसको। यल है और ये है यम, प्रश्न में दिया है यल समानांतर यम। ये है मान लीजिए आपका 95 अंश, ये है आपका कितना कर लीजिए 110 अंश, और ये है यक्स की वैल्यू। ये लास्ट क्वेश्चन है, दिख रहा है ना, ये 110, ये 95, ये यक्स। एक बार पढ़ लीजिए, देखिए इसमें जुगाड़ लगाते हैं भाई, इंडिया जुगाड़ टिकी है, ये तो पाई ही चाहिए। इन दोनों का योग 180, इन दोनों का योग ठीक। जब ये 95 दिए कितना होगा, ये 95 है तो मतलब हो जाएगा 105, और जब 110 दिए कितना, इसका इन दोनों का योग कर 110 घटा दीजिए 5 आ जाएगा 5। थोड़ा सा संकेत बनाना चाहिए था, या तो इसको हम एक काम करते हैं, थोड़ा ज्यादा हो गया ना, चलिए जो भी आया आकार बनाने में थोड़ी सी को हो गई, चलिए जो आ गया आंसर तो 5 है। चलिए ठीक, मतलब इसको मान कम कम रखे तो ज्यादा रहता, क्वेश्चन किताब से क्वेश्चन बनाया नहीं, इसलिए ये 5 अंश निकल गया ठीक। ये मतलब ऐसे बनता एकदम, इसमें जुगाड़ लगा दिए, अब इंद्र 180, इंद्र 180, ये बीच का निकल गया। सुन आप लोग को, या तो इसको भी सीधे इसे खींच के वहां निकाल के, हां या तो सीधे खींच लीजिए भैया ठीक, उससे भी निकाल लीजिए, लेकिन ये सरल नहीं है, तुरंत निकल जाएगा, इस तरह से क्वेश्चन आएगा। तो अगर ये समझ में आ गया होगा तो आप चाहे जैसा प्रश्न आएगा आप कर लेंगे, घर जाके पेपर उठा के देख लीजिएगा ठीक। कभी कभी एक फॉर्म बना देते, ये क्लियर हुआ एक क्वेश्चन बना दे, तो बना लिया आप लोग नीचे लाइन खींच लिए, ये हो गया लाइन खींच लिए। अब इन दोनों कोणों का जब समानांतर, ये भी समानांतर हो गया, इन दोनों का 180 अंश, यह कोण का योग, यह दोनों का योग 180,
है, ये 95 है, अच्छा अच्छा 85 है, 85 सॉरी 85 आएगा, ये 85 हो गया ठीक, ये 110 था, ये और 70 और 85 हो जाएगा, मतलब 155 होगा ठीक। चलिए चलिए भाई, ये घटाना करो तो क्या, सॉरी हमें डाउट लग रहा था, इतना कम सिखा रहा है, समझ आया? कोई समस्या किसी को? आगे बढ़े, चलिए सॉरी यार हो जाता है, खुद से बनाना थोड़ा बहुत। ये देखिए, यहाँ तो ऐसे करिए 7 5 12 ये हो गया 60, ये होगा 60, ये होगा 120, इन दोनों का योग डायरेक्ट हमने बताया था अभी चित्र, अरे यहाँ भूल गए, ये वाला डायग्राम है दोनों का योग, तो भाई इन दोनों का योग डायरेक्ट रख दीजिए, हाँ यहाँ तो भाई इसे निकाली भाई मेथड, जब ये 60 तो 120 सरल रेखा वाला, नहीं तो सिरसा विमुख वाला, जैसे मन वैसे लगे, समझ आ गया भैया? ये था आपका ज्योमेट्री, अभी तो वृत्त बचा है, वृत्त बचा है तो वृत्त पढ़ा देंगे, वृत्त कल पढ़ा देंगे, वहां थक गए हम, चतुर्भुज, हाँ चलिए जो भी कहेंगे पढ़ा देंगे, लेकिन आप समझ आ गया ना? चलिए भैया, अरे भैया मत पढ़ाइए, आज के इतना ही, बाकी लोग आप लोग भी वीडियो देख लीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, सभी लोग तक पहुंच जाए।